नमस्कार माई फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और आ गई हूँ मैं किचन में अपना काम निपटाने के लिए है। और आज जो मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ वो कि पनीर, क्योंकि दूध क्या होता है कि हम ताज़ा दूध जो आता है वो पीते हैं और जो मतलब बचता जाता है ना वो रखती जाती हूँ मैं। जब 2-3 दिन में बहुत सारा दूध हो जाता है ना, मतलब 2 दिन का होता है ज़्यादा ज़्यादा, अगर उसमें से आधा आधा किलो भी बच जाता है तो 1 किलो दूध बच जाता है, तो क्या करती हूँ फिर मैं उसका ना पनीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे रात को दूध बचा हुआ था बहुत सारा, 2 किलो मतलब 2-2.5 किलो के आसपास बचा हुआ था, क्योंकि आराध्या और उन्हें पिया नहीं था, ये सो चुके थे और एक बार ये सो जाते हैं तो दूध पीते नहीं हैं। तो आज इनको ताज़ा दूध आ गया था, मैंने वो दे दिया था, तो वो दूध बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पे बना लिया है उसका पनीर। और पनीर ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बन के तैयार हुआ है, तो मैं उसकी बना रही हूँ यहाँ पे भुजिया पनीर की। क्योंकि अगर नॉर्मल सब्जियाँ बनाते हैं तो उसमें ग्रेवी वगैरह जाती है तो वो थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ज़्यादा मसाले वाली हो जाती है, तो यहाँ पर आज भुजिया खाने का मतलब सिंपल के सिंपल और टेस्टी भी और पौष्टिक भी हर चीज़ के गुण थे उसमें, तो इसलिए मैंने वो बनाने की सोची। तो यहाँ पे हमारी भुजिया लगभग बन के हो चुकी है तैयार। तो मैं आज मैं आपको मतलब जो मोटिवेशनल कोट्स है वो बताती हूँ कि पहले ज़माने में लोग ना अपने रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देते थे, इसी चक्कर में कि कहीं ये हमारा रिश्ता ना टूट जाए, अपने रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है, लोग अपनी खुशियों के लिए अपने रिश्ते ही कुर्बान कर देते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन माँ बाप कोई भी हो, मतलब किसी भी रिश्ते को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ किसके लिए, अपनी खुशियों के लिए। मतलब पहले लोगों के लिए रिश्ते मायने रखते थे पहले ज़माने में, और अब लोगों को सिर्फ अपनी खुशियां ही मायने रखती हैं, बस उन्हें खुशी मिलनी चाहिए चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता उसके लिए कुर्बान करना पड़े। मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो रिश्ते निभा रहे हैं चाहे उसमें वो खुश हैं या नहीं हैं, फिर भी निभा रहे हैं। तो कई लोग मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, आजकल का ज़माना ऐसा ही आ गया कि सिर्फ अपनी खुशियां ही ढूंढते हैं। और अभी ये हाल है तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा, जब हमारे बच्चे होंगे पता नहीं हमारे बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार और मैंने यहाँ पर रोटी बनानी कर दी है स्टार्ट। और मतलब कि मैंने क्या किया है यहाँ पे कि दो, मैं सोच रही हूँ कि साथ में ना ये चाय भी मैंने पतीला धो के चढ़ा दिया है। एक्चुअली तवा ना भी गर्म नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा कि इतने मैं इतना ये काम निपटा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता ही कितनी भाग दौड़ होती है, सुबह सुबह जितनी जल्दी सारा काम हो निपट जाए बस निपट ही जाए वही काफ़ी होता है। तो यहाँ पे 4 बजे से उठ के लगती हूँ मैं, और कब 7:15 बज जाते हैं, स्कूल में जाने का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता, भाग भाग के मतलब बस 5 मिनट बैठ के चाय ही पीती हूँ, वही 5 मिनट बैठना होता है, उसके बाद तो सीधा कंटिन्यूसली 2:30 से 3 बजे तक, मतलब स्कूल में जैसे हम 2:15 बजे तक रहते हैं तो वहाँ पे भी कंटिन्यूसली काम ही करना पड़ता है, घर आके फिर कपड़े वगैरह होते हैं तो सुबह सुबह तो धुलते नहीं हैं, घर आके धोने पड़ते हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो जैसे भी है अब करना भी पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे मतलब वासिया ले रही हूँ मैं, मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि रात को भी सोते सोते 10-11 नींद पूरा होने का नाम ही नहीं लेती, इतनी थकान हो जाती है बॉडी में। और कभी कभी तो क्या होता है कि सारा काम छोड़ छाड़ के ना मैं दिन में सो ही जाती हूँ, मैं सो ही लेती हूँ 1 घंटा, छोड़ो फिर अब जो काम होगा होता रहेगा अपने। तो कभी कभी ये होता है कि अगर स्कूल से कुछ काम ले आती हूँ मैं बच्चों की बुक्स नोटबुक वगैरह चेक करने का, तो फिर वो मुझे चेक करनी ही पड़ती है क्योंकि अगले दिन उन्हें वापस देनी होती है। तो चलिए ये काम निपटा लेती हूँ मैं पहले। नमस्कार माय फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए हैं और ये देखिए 5 बजे तक मैंने किचन का अपना काम निपटा दिया है लगभग, मतलब बनाने का काम निपटा दिया, साफ़ सफाई का रह गया अभी। ये मैंने घी की सब्जी बना दी है कुकर में, और ये देखिए रोटी भी बना दी है, यहाँ पे बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ बना के तैयार कर लिया है, और बाकी अभी सब सो रहे हैं। ये देखिए आराध्या और शिवाय सोए हुए हैं। और अभी ना रात से हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है ना कि रात से ही लगी हुई है बारिश। अब जब मैं उठी थी तब हो रही थी लेकिन अब बंद हो चुकी है,
हल्की फुल्की हो रही है और अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखिए पार्क पूरा फुल हो रखा है पानी से, पूरा पानी पानी है। मतलब गली में हमारे यहाँ ना पानी भरता नहीं है, लेकिन पार्क में पानी जितना भी होता भर जाता है थोड़ी देर में, एक आध घंटे में निकल भी जाता है वो। और अभी बाहर बहुत अंधेरा है, जैसे कि गर्मियों में होता था ना, कि गर्मियाँ तो वैसे अभी भी है, मतलब जून जुलाई में, कि 5 बजे तक भी उजाला रहता था, उजाला हो जाता था 4:45 बजे के आसपास। लेकिन अभी दिन थोड़े छोटे हो गए हैं तो अभी अंधेरा हो रहा है। तो मेरा ये काम तो हो गया है कंप्लीट। और अभी मैं, जैसे कि आपको पता है, देखिए डस्टिंग वगैरह मैं रात को करके रख लेती हूँ, और अब लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बच्चों को खड़ा करूंगी नाश्ते के लिए। तो चलिए मैं काम निपटा लेती हूँ पहले। तो हेलो गाइस, मैं आ गई स्कूल से और यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ खाना, साथ में लड्डू भी ले रखा है। और आराध्या कर रही है यहाँ पे ट्यूशन की तैयारी। आराध्या और सक्षम जा रहे हैं ट्यूशन, और यहाँ पे सामने मैंने चला रखा है अनुपमा सीरियल, जो कि 2 सीरियल मैंने पहले बताया था आपको, देखते हूँ एक अनुपमा और एक आखिरी दस्तक। शिवाय फिर लैपटॉप के पास चला गया तू? लैपटॉप नहीं चलाना, ये लड़का लैपटॉप के पीछे पागल। अब चले इधर, होमवर्क देखूं तेरा क्या है, चल आजा, ड्रामे मत कर, पिट जाएगा मेरे से, नहीं तो आजा जल्दी आ। तो ये दोनों जा रहे हैं ट्यूशन। ये देखो, ये दोनों बंदर को देख के वापस भाग आए, ट्यूशन नहीं गए। तो अब इनको मैं छोड़ने जा रही हूँ। अरे रुक भी जाओ, फिर आगे आगे भाग रहे, फायदा क्या मेरा? तो उनको छोड़ के आ गई मैं, बंदर ना वहां से भाग गया था एक्चुअली। जैसे हम गए, बीच रोड के बीचों बीच बैठा था और वहाँ से भाग के साफ में ना एक पेड़ था, वहाँ पे जाके बैठ गया। इतनी दूर जाना पड़ा, मेरे को थका हो गया। तो मतलब स्कूल में भी 3-4 फ्लोर हैं, नीचे चढ़ना उतरना सीढ़ियाँ बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब थक जाते हैं। और घर पे भी हम 1st फ्लोर पर रहते हैं, तो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बस इसी में हालत खस्ता हो जाती है इस लड़के को। मैं गई उधर, ये लैपटॉप चला के बैठ गया। शिवाय इसे बंद कर दे, नहीं तो पिट जाएगा मेरे से। तू ऑफ कर, शट डाउन कर, रुक जा, शट डाउन मत कर, मुझे चेक करना कुछ।